हमारे गांव में होती है कि पूरे गांव के लोग बैठ के मतलब पेड़ के नीचे, एक गांव एक एक ही होता है, मस्त गैदरिंग होती है वो। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ, तो टाइटैनिक मूवी तो आप सबने देखी ही होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाइंग अब्रॉड। मेरा नाम है शिल्पा और मैं जर्मनी में रहती हूँ। मेरे लास्ट वीडियो जर्मनी के खेत को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे लगा आप लोगों ने उस वीडियो को इतना पसंद किया तो मैंने सोचा कि मैं एक और वीडियो बनाती हूँ जर्मनी के गाँव के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी जर्मनी का एक सबसे, मतलब जो सबसे ज़्यादा अमीर तो नहीं बोलूंगी, बट वन ऑफ द रिचेस्ट विलेज का वीडियो है ये। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप एक प्राइवेट प्लेन देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ के जो लोग हैं उनके पास में प्राइवेट प्लेन्स हैं। इस विलेज का नाम है वॉल्डॉफ, तो डॉफ जिसके आगे लगता है उसका मतलब होता है विलेज, तो ये प्रॉपर एक विलेज है। और अगर मैं और बताऊँ इस विलेज के बारे में आपको, तो अगर आपने नाम सुना है एस्टोरिया ग्रुप ऑफ होटल्स का, तो वो लोग भी ओरिजिनली इसी विलेज के हैं, बस आज वो जाके मतलब कहीं और सेटल्ड हैं, उन्होंने इतना बड़ा नाम बना लिया है। इस विलेज में अभी भी एस्टोरिया हॉल बना हुआ है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी और टूर दूंगी पूरा इस विलेज का कि कैसा है ये विलेज। और यहाँ पे एसएपी के हेडक्वार्टर्स भी हैं, तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, एसएपी एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो ये जो आप मेरे पीछे पूरी फील्ड देख रहे हैं, ये एक फ्लाइंग फील्ड है, और यहाँ पे आप अभी देख भी सकते हैं एक प्लेन खड़ा हुआ है, तो ये अभी आके लैंड किया है। अभी जैसे दोपहर का टाइम है तो इतनी प्लेन्स देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि सब लोग फ्लाई कर रहे हैं, बट जैसे अगर आप सुबह यहाँ पे आओ या शाम को के टाइम आओ तो लाइन से यहाँ पे मतलब 5-6 प्लेन्स तो आपको खड़े दिख ही जाएंगे। अभी भी यहाँ पे एक यहाँ खड़ा हुआ है और एक वहाँ उस साइड दूर है थोड़ा, पर वो खड़ा हुआ है। तो ये लोग यहाँ पे जैसे सुबह अपनी सारी प्लेन्स, इनकी प्राइवेट प्लेन्स ये लोग ओन करते हैं जो यहाँ के लोग हैं, और वो सुबह यहाँ पे निकालते हैं और फिर ये पूरा दिन प्रैक्टिस करते हैं या फिर जैसे लीजर एक्टिविटी है तो वो करते हैं। उसके बाद में फिर जैसे शाम तक वहाँ पे एरो क्लब है, वो जैसे पार्किंग स्टेशन के जैसे है, मैं आपको अभी और पास ले जाके दिखा दूंगी, वो इन प्लेन्स का पार्किंग स्टेशन है। फिर वो वहाँ पे अपनी प्लेन्स लगा देंगे, जैसे ये गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं तो इनके पीछे वो लाइक उनको लगा के और फिर यहाँ से लेके जाते हैं वहाँ तक और फिर वो उसमें पार्क कर देते हैं। और वीकेंड पे मतलब एज अ लीजर एक्टिविटी या एज अ लर्निंग एक्टिविटी वो यहाँ पे प्लेन्स फ्लाई करते हैं। और अगर मैं आपको इस फील्ड का एक टूर दूं तो आप देख सकते हैं मतलब पूरा राउंड अगर मैं लेती हूँ तो ये कितनी बड़ी है, मतलब बहुत बहुत दूर तक फैली हुई है। और यहाँ पे एट ए टाइम मतलब 5 to 10 प्लेन्स तो इजीली एक साथ लैंड कर सकते हैं, इतनी स्पेस है यहाँ पे, देखो आप मतलब पूरा बहुत ज़्यादा। अभी एक और प्लेन आ रहा है, हम लोग उसकी लैंडिंग को कैप्चर करने की ट्राई करते हैं। वो देखो आप लोग को क्या दिख रहा है, वो अभी से वहाँ पे वो वाला प्लेन अभी लैंड होएगा, एक ऑलरेडी खड़ा है, एक वहाँ पे खड़ा है और ये थर्ड तो अभी आ गया। आओ थोड़ा आगे चलते हैं, ये उस वाले साइड पे ही शायद लैंड हो जाएगा या फिर आएगा क्या इस ग्राउंड तक। हाँ आएगा, तो अभी वो लैंड हो चुका है और यहाँ तक आएगा। सबके छोटे छोटे प्राइवेट प्लेन्स हैं, 2 से 3 लोग बैठ सकते हैं इनमें। और इट्स देयर, इट्स सो एक्साइटिंग टू सी, मतलब मैंने कभी मतलब यूजुअली प्राइवेट प्लेन्स कभी देखे ही नहीं है, यहाँ पे आने के बाद ही मैंने देखे। और मतलब इतने छोटे छोटे प्लेन्स लोग ओन करते हैं, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है इसको देखना, लैंड होना, उड़ना, फिर इसको पार्क करना, डिसमेंटल करना, और ये सब मतलब बहुत ही सही लगता है देखने में। हम लोग तो बहुत बार यहाँ पे आते हैं, बैठे रहो चाहे सुबह से लेकर शाम तक, एक पूरी एक्टिविटी चलती रहती है, देखते रहो, टाइम पास होता रहता है, अपना खाना ले आओ, पिकनिक का पिकनिक हो जाता है और मस्त फन एक्टिविटी है। मतलब ये भी एक एक्सपीरियंस है प्लेन वॉचिंग करना। तो वो प्लेन आ गई है यहाँ पे, प्लेन वहाँ पे आ गई है, लैंड हो गई है, और आई थिंक वो आज के लिए मतलब दे आर डन फॉर द डे फॉर फ्लाइंग। तो आई थिंक वो वहाँ पे उसको पार कर देंगे और उसके पास में ही जो कार खड़ी हुई है वो उसमें फिर मतलब उसको लगा के और यहाँ पे पार्किंग स्टेशन पे ले जाएंगे। तो आओ चलो देखते हैं मतलब कैसी होती है ये एक्टिविटी, मैंने तो मतलब बहुत बार देखी है तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी देखो और इन्जॉय करो। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखी थी प्लेन्स की लैंडिंग, अब मैं आपको दिखाती हूँ टेक ऑफ। आप देख सकते हैं वहाँ पे वो एक छोटू प्लेन है, वो अभी टेक ऑफ करेगा। मतलब बहुत मज़ेदार चीज़ नहीं है ये?
और मैं आपको बता दूं, ये जो वॉल्डॉर्फ विलेज है ये हाइडलबर्ग सिटी और मानहाइम सिटी के बहुत पास है। तो जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, या जैसे हाइडलबर्ग तो बहुत टूरिस्टिक प्लेस है, तो अगर आप कभी भी टूरिस्ट के जैसे या फिर ट्रैवल करने के जैसे अगर हाइडलबर्ग या मानहाइम आते हैं, या फिर अगर आप मानहाइम यूनिवर्सिटी या कोई और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं इन सब सिटीज़ के आसपास के, तो आप ज़रूर किसी वीकेंड यहाँ पर आके इस एक्टिविटी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो अगर आपके पास में जब भी टाइम हो किसी भी वीकेंड आके आप देख जाओ यहाँ पे। आई थिंक हाइडलबर्ग से ट्रेन से 10 मिनट्स का है रास्ता, और मानहाइम से 30 मिनट्स का है एसबान से अगर आप आओगे तो। तो ये जो यहाँ पे रखा हुआ है ये यूज़ करते हैं बेसिकली, इसमें जैसे यहाँ पे हुक कर देते हैं वो अपना प्लेन, और फिर मैन्युअली पुल करके या फिर कार की हेल्प से पुल करके, और वो वहाँ एरो क्लब के वहाँ पार्क करने के लिए लेके जाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, मतलब ये एक टाउन गांव है, मतलब ये कहने को, और यहाँ पे पूरा एक फ्लाइंग एरिया एलोकेटेड है। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके पास में अपने प्राइवेट प्लेन्स हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं मतलब कि यहाँ के लोग एक्चुअली कितने अमीर होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एस्टोरिया ग्रुप ऑफ होटल्स के जो ओनर्स हैं वो इस टाउन से ही हैं, वॉल्डॉर्फ से हैं, तो अभी मैं उन्हीं के हॉल के वहाँ पे हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एस्टोरिया हाउस है, जो कि अभी एक म्यूज़ियम के जैसे रन किया जा रहा है। और जो यहाँ पे आप एक स्टैचू देख रहे हैं ये है योन याकोब एस्टोर का। तो मैं योन याकोब क्यों बोल रही हूँ पहले तो वो बता देती हूँ, क्योंकि जर्मन में जे को वाई के जैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो हाँ, ये योन याकोब एस्टोर का स्टैचू है यहाँ पे, और जो सामने इसके पूरी स्ट्रीट है वो इन्हीं के नाम से रखी गई है, योन याकोब स्ट्रीट है वो। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका वॉल्डॉर्फ में 1763 में बर्थ का है, और फिर जैसे कि ये न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए थे बाद में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूयॉर्क 1848, इनकी मतलब डिटेल्स मेंशन करी गई हैं। और मैं इनके बारे में आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ। तो टाइटैनिक मूवी तो आप सबने देखी ही होगी, और आपको पता होगा कि टाइटैनिक जो शिप था वो सिंक कर गया था, और जो भी उसकी हिस्ट्री है। तो इनकी जो फादर और मदर थे वो भी एक्चुअली उस शिप में थे, और इनकी मदर ने वो शिप का सिंक सर्वाइव भी किया। और ये हॉल के सामने ही यहाँ पे इन्होंने जैसे पूरा एक गार्डन बनाया हुआ है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं या कोई भी आके इस गार्डन में, मतलब इस गार्डन का यूज़ कर सकता है। और पीछे की साइड चिल्ड्रंस पार्क भी है, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और बहुत बारी जैसे पीछे की साइड जो ये हॉल की प्रॉपर्टी है उसमें जैसे सिटी के इवेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं जो चिल्ड्रंस पार्क बना हुआ है वो कैसा है। ये इस हॉल का बैक साइड का एरिया है, और यहाँ पे जैसे इन्होंने सिटिंग के एरिया बनाए हुए हैं, और यहाँ पे जैसे वो चिल्ड्रंस पार्क है, तो जैसे अगर आपके बच्चे यहाँ खेल रहे हैं पार्क में, तो अगर आप पेरेंट्स साथ में आए तो आप यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकते हो। और मैंने ना इस हॉल के सामने भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो कमेंट में बताओ अगर आप लोगों को पता है कि वो कौन सा वीडियो है, तो उसका टाइटल आप लिख दो कि ये वाला वीडियो है, वो मैंने इस हॉल के सामने बनाया हुआ है, और थोड़ा सा ये वाला क्लिप भी है उसमें। और इसका जो ये वाला पार्ट है ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये मतलब ऐसे बहुत ही कामिंग सा लगता है, बिकॉज चारों तरफ से ऐसे ट्रीज से ढका हुआ है, और इसके अंदर मतलब आप जैसे वॉक करके जाते हो तो ऐसे बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है, ठंडी ठंडी। फिर यहाँ पे ये और थोड़े से बच्चों के झूले हैं, स्पेशली वो वाला जो झूला है वो मुझे बहुत ही पसंद है, उसमें मतलब पूरा ऐसे लेट के झूल सकते हो तो ऐसे बहुत ही फन आता है। ये वाला तो हम सबका फेवरेट बचपन का झूला रहा ही है, तो मैं एक राइड तो ले ही लेती हूँ बिना टच किए, गिर गई तो हो जाएगा, वीडियो बन जाएगा। और यहाँ का ये वाला झूला मुझे काफ़ी पसंद है, मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इसमें से बच्चे मतलब क्लाइंब करके पूरा ऊपर तक जाने के ट्राई करते हैं, और उन लोगों के लिए मतलब काफ़ी हार्ड रहता है, तो जब उनको करते हुए देखो तो बहुत ही फन होता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये इस गांव का या फिर इस विलेज का जो मेन सिटी सेंटर है वो है। तो इसके पीछे जैसे आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सा चर्च है, और फिर ये वाला जो एरिया है ये मतलब अगर मैं बोलूँ गांव की लैंग्वेज में तो जो एक चौपाल या जो गुआड़ी बोलते हैं हमारे साइड में, राजस्थान से हूँ मैं, तो राजस्थानी में हमारे जो गाँव का मेन जो एरिया होते हैं उनको गुआड़ी बोलते हैं, तो वो है।
और बस यहाँ पे मतलब एक चीज मुझे मिसिंग लग रही है जो हमारे गांव में होती है कि पूरे गांव के लोग बैठ के मतलब पेड़ के नीचे ताश पत्ते खेल रहे होते हैं। मतलब पूरी एक गांव, एक एक गांव एक एक ही होता है, मतलब पूरी फैमिली होती है एक और मस्त गैदरिंग होती है। वो यहाँ पे नहीं है, बट स्टिल जैसे इन्होंने जगह जरूर बनाई हुई है कि आप बैठ सकते हैं और अपना मतलब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पीछे की साइड वाला जो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाली जो पूरी स्ट्रीट है ये इस गांव की शॉपिंग स्ट्रीट है। और मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्लोथिंग स्टोर्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के कपड़े आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और बहुत अच्छा सामान मिल जाएगा। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि कोई जैसे बड़े पास के सिटी में जाने की नीड लगती नहीं है। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और सब है इस स्ट्रीट पे, बहुत अच्छा स्ट्रीट है। तो मैं आपको चलो दिखाती हूँ। पीछे देख रहे हैं ये इस सिटी का मतलब जो स्विमिंग एरिया होता है वो बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे दो हैं, ये वाला जो है ये ओपन में है, तो इसके अंदर मतलब उन्होंने बहुत बड़ी एक जैसे लेक है उसको जैसे उन्होंने मिट्टी वगैरह डाल के बीच इफेक्ट दे रखा है। और इसके अंदर भी दो पूल्स हैं, प्रॉपर स्लाइड्स हैं, बहुत बड़ा एक एरिया। तो समर में मतलब जैसे अगर आप इसकी मेंबरशिप ले लो या पर डे टिकट पे आके भी मतलब यहाँ पे आ सकते हो स्विमिंग और उसके लिए। और बहुत अच्छी मतलब टाउन के अंदर ही एक बहुत अच्छी फन एक्टिविटी हो जाती है। और फिर उस साइड उन्होंने बनाया हुआ है वो है इंडोर पूल, तो उसके अंदर भी तीन पूल है, मतलब बच्चों का है एक, फिर नॉर्मल स्विमिंग के लिए है, और फिर एक जैसे वो जो डीप वाले होते हैं जिसमें आपको प्रॉपर स्विमिंग करनी अगर आती हो तो आप जा सकते हैं। और वहाँ पे भी जैसे अंदर एक इंडोर ही स्लाइड बनाई हुई है और जकूजी सोना वो सब भी है। अगर आपको विंटर में भी जैसे स्विमिंग करने का मन है तो टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, बिल्कुल अंदर जाके लगता ही नहीं है कि ठंड है। मतलब जनवरी फेब यहाँ पे पीक विंटर होती है, फिर भी आप वहाँ पे जाके स्विम कर सकते हो बिकॉज हॉट वाटर होता है पूल में भी और पूरा टेम्परेचर कंट्रोल रहता है 30-35, तो एकदम समर फील्स आती है। तो ये बहुत ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस टाउन के बारे में ये। ऐसे और भी बहुत जैसे सिटीज़ में और बहुत जगह होते हैं, बट मतलब मुझे क्या स्पेशल लगता है कि ये छोटा सा मतलब कहने को एक विलेज है बट इसमें इतनी सारी ये सब फैसिलिटीज़ भी हैं। तो इसीलिए मतलब मेरा पर्पस था ये वीडियो बनाने का कि जर्मनी का वन ऑफ द बेस्ट और रिचेस्ट टाउन मैं आपको दिखा पाऊँ जिसमें एक विलेज होने के बाद भी इतनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। और ये वाली जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये यहाँ का पुलिस स्टेशन और यहाँ की गवर्नमेंट ऑफिस है, कितना अच्छा है ये। और यहाँ पे ये आइकिया का स्टोर भी है और वो तो छोड़ो BMW का शोरूम भी है, और क्या लोगे आप बताओ गांव में। तो ये थी मेरी एक और कोशिश आपको जर्मनी का एक बहुत अमीर गांव दिखाने की। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। मेरे पहले वाले यूरोप के गांव वाले वीडियो को बहुत प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है और मेरे और वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ जाके वो वीडियोज़ भी देख लीजिए। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और
और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको और भी कुछ देखना है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। और आपको कैसा लगा ये वीडियो और क्या अच्छा लगा आपको इस गांव के बारे में, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या आपको बिल्कुल भी लगा ये देख के कि ये एक गाँव है, मतलब कहने को ये एक गाँव है बट कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि हाँ, इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट विलेज ऑफ जर्मनी, और यहाँ पर मतलब बहुत लैविश घर हैं, बहुत लैविश लाइफस्टाइल है, बहुत अमीर यहाँ पे लोग रहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलती रहूँगी आगे के ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और फन वीडियोस में अपने चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।